ये देखिए दोस्तों कितना क्रंची बना है ये, और बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है ये। आप इसे ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में कभी भी बना के खा सकते हैं। तो देखिए, तीन तरह का दाल यहाँ पे हमने लिया हुआ है। ये है ग्रीन वाला मूंग दाल, छिलके वाला जो रहता है, और उड़द दाल जिसे हम दही बड़ा बनाते हैं, और चना दाल। इन तीनों को हम रात भर पानी में भिगो लिए हैं और अच्छे से अभी धोकर इसको हम साफ़ कर लिए। अब चलिए, अब इसे हम मिक्सी जार में डाल के और दरदरा पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं पीसना है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा इससे। तो देखिए, यहाँ पे दरदरा हम इसे पीस लिए। अब चलिए, इसमें क्या क्या मिक्स करना है वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, चावल का आटा मैं मिक्स कर ले रही हूँ। तो चावल का आटा अभी यहाँ पे मैं 2 चम्मच डाली हूँ, अगर और ज़रूरत पड़ा तो और भी डाल सकती हूँ। यहाँ पे है आलू, ये बॉयल्ड आलू है दरदरा, और साथ में ही अदरक और हरी मिर्च और धनिया के पत्ते, और इसमें मैं एक कॉलीफ्लावर का टुकड़ा भी डालूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। तो देखिए, कॉलीफ्लावर को भी बारीक काट के मैं डाल ली हूँ। अभी इसमें मैं हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाली हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे प्याज नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि प्याज से थोड़ा सा ना वो प्याज पकौड़ा वाला टेस्ट आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब चलिए इसे तलते हैं। तलने के लिए यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड तेल। और यहाँ पे देखिए, मैं चाय छनने वाला छन्नी ली हूँ। यहाँ पे प्लास्टिक का छन्नी भी आप ले सकते हैं अगर स्टील का नहीं है तो, पर उसमें ध्यान ये रखना है कि प्लास्टिक का छलनी जो है जलने का डर रहता है, वो आपका गर्म से पिघल सकता है। तो यहाँ पे स्टील का छलनी मैं ली थी, और मतलब जो जाली वाला, जो लोहे का छलनी तो सबके पास रहता ही है, उस पर भी आप बना सकते हो। इस तरह से फ्लैट करके इस पर रख लेना है और बैटर को, और गोल गोल करके, और इसमें फिर डाल देना है तेल में। छलनी के ऊपर ऐसे डालने से क्या होता है ना कि बहुत अच्छे से फ्लैट हो जाता है और वो बीच में गांठ जैसा नहीं रहता है। अगर हम गोल गोल ऐसे बनाते हैं ना तो बीच का जो भाग होता है, हिस्सा होता है, वो अच्छे से क्रंची नहीं हो पाता है, पक नहीं पाता है बीच वाला भाग। तो इसीलिए हमने ये नया तरीका अपनाया है, और ये जो पकौड़े हैं देखिए, एकदम बन के क्रंची तैयार हो गए हैं। पकौड़े तो नहीं बोल सकते इसको, दाल वड़ा बोल सकते हैं इसका जो नाम है, आप मिक्स दाल वड़ा दे सकते हो। तो देखिए, इस तरह से फिर हमने डाल लिया है छन्नी पे बैटर को रख के, और इस तरह से तल के, और सारा पकौड़े मेरा तैयार हो गया है। तो बहुत ही झटपट रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है, सारा दाल और सब्जी एक साथ आ गया है। अगर आपका बच्चा भी दाल और सब्जी खाना पसंद नहीं करता है ना अलग अलग, तो ये पकौड़ा आप ज़रूर खिलाइएगा, एकदम क्रंची बन के तैयार हुआ है। तो कैसा लगा ये रेसिपी ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ताकि और भी मैं नया नया रेसिपी बना सकूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे आगे और नया नया रेसिपी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, देखते रहिए। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक ब्लॉग का भी चैनल है, नीतू देसी लाइफस्टाइल, उस पर भी आप जा सकते हैं मेरा ब्लॉग देखना हो तो। चलिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।